नागपुर की दीक्षा भूमि में भूमिगत पार्किंग एक विवाद में बदल गई है। दीक्षा भूमि इलाके में अंडरग्राउंड पार्किंग के विरोध में दीक्षा भूमि में जुटी गुस्साई भीड़ ने चल रहे विकास कार्य की सामग्रियों की तोड़फोड़ की। अपनी बात रखते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम अन्य विकास कार्यों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सिर्फ गलत तरीके से की जा रही अंडरग्राउंड पार्किंग के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल ने मौके पर पहुंचा। पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंगल, सह पुलिस आयुक्त अश्वती दोर्जे, पुलिस उपायुक्त राहुल मदने सहित बड़े पैमाने में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर दाखिल हुए। बाद में पुलिस और जिला प्रशासन उनसे बात हुई कि इसको रोकना चाहिए, जो आंदोलन से उनकी तरफ से। तो यहाँ जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने लिख के दिया है कि ये आंदोलन जो है आप तो स्थगित कीजिए, क्योंकि हम ये जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था उसको तत्काल रोक रहे हैं, ऐसा लेखी में उन्होंने दिया है। इसके बाद में सब लोग शांत हैं और मेरी एक से सभी से ये विनती रहेगी कि इसके बारे में अफवाहें ना फैलें, ना फैलाएं और शांति से यहाँ पे सब लोग चले जाए। सरकार ने स्थगिती द्या नका देऊ त्याचा काही प्रश्न नाही। आंबेडकरी जनतेने जे आंदोलन केलं त्याचा विजय आहे या ठिकाणी, आणि निश्चितच त्या ठिकाणी जे पार्किंगचं जे काम होतं ते बंद पडलं आणि उद्यापासून त्या ठिकाणी एक शांततेचं वातावरण शहरामध्ये राहणार आहे। दीक्षाभूमीवर कुठेही आम्हाला जाडपण नको, दीक्षाभूमीवर आम्हाला शांती हवी आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरण स्पर्शाने ही पवित्र भूमी, तथागताच्या विचाराने ही पवित्र भूमी झालेली आहे। त्या ठिकाणी उठलाही त्या ठिकाणी आज तो हे नको, आज या ठिकाणी निर्णय झाल्यामुळे या ठिकाणी आंबेडकरी जनतेचा त्या ठिकाणी आभार मानायला पाहिजे की एकत्र येऊन एक आंदोलन निर्माण झालं आणि त्या ठिकाणी जो न्याय पाहिजे होता तो न्याय त्यांना मिळाला। आता उद्या येणाऱ्या काळामध्ये आपण जर बघितलं बाबासाहेबांच्या विचारावर चालणाऱ्या माणसाने या ठिकाणी जागा कमी पडते, ही बाजूची 4.5 एकर जमीन या ठिकाणी भूमीला मिळाली पाहिजे ही आमची दुसरी मागणी आहे। ती मागणी सरकारनं पूर्ण करावी, म्हणजे एवढ्या जागी ही जागा फारच कमी पडते आता दीक्षाभूमीला। आज फक्त शहरातून लोक आले, जर पूर्ण देशातून लोक आले तर जागा कमी पडते आणि त्यातल्या त्यात पार्किंग होती ती बंद झाली। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।